तो कल हमने जो वेब पेज पे लेआउट बनाया था जिसके अंदर हम सीखेंगे अपना नेविगेशन बनाना, तो नेविगेशन कैसे बनाएंगे हम उसको ज़रा देखते हैं। नेविगेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करेगा कि हमने अपना वेब पेज खोल लिया है, इसके HTML पे आ जाएंगे और इसके नेव स्टाइल के अंदर आके यहाँ पर कुछ कोड करेंगे। क्या कोड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले भी देखें इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर हम कोड ये करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर एक बनाएंगे UL अनऑर्डर्स, फिर उसके अंदर एक लिस्ट आइटम बनाएंगे, उसके अंदर एक एंकर बनाएंगे और एंकर के अंदर फिर जो भी हमें बना रहे हैं उनको हम इस तरीके से इसमें लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सपोज टू बी होम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मेन्यू होम का होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट एंड देन पेस्ट एंड देन पेस्ट, और जितने मेन्यू बनाने हैं फिर ये बना लेंगे। होम के बाद अबाउट का ले लिया, अबाउट के बाद हमने सर्विसेज का ले लिया, सर्विस के बाद हमने जो है यहाँ पर मीडिया का ले लिया, मीडिया के बाद हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ले लिया। तो ये हमने सारे मेन्यूज़ को डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर जाके इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये क्योंकि नेव सेक्शन में है तो अब हम इसको मज़ीद इसका स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, यूएल के साथ जो है स्टाइल का टाइप ऐड करेंगे और यहाँ पर डबल कोट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने यूएल के साथ भी स्टाइल लगाना है और फिर एक एक लाइन LI के साथ भी लगाना है और फिर इसके साथ दूसरे LI के साथ, फिर तीसरे LI के साथ। तो यहाँ पर हमें एक मसला आएगा कि हमें बार बार एक एक के साथ कोड करना पड़ेगा, बार बार अलग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मामला हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि अब हम कोड को क्या करेंगे, इंटरनल CSS मेथड के ज़रिए करेंगे। यानी कि मैंने आपको बताया था कि CSS का जो कोड अप्लाई करने के जो तरीके हैं वो हैं दो तरीके हैं। एक है इनलाइन मेथड जो हमने कल करके देखा था और एक दूसरा है इंटरनल मेथड जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं इंटरनल मेथड को ऐसे लगाएंगे कि इसके ऊपर अगर हमें कोड करना है तो अब CSS का कोड इसके साथ स्टाइल के साथ ऐड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जाएंगे ऊपर हेड सेक्शन में टाइटल के बाद यहाँ पर एक स्टाइल का एलिमेंट ऐड करेंगे। पूरा एलिमेंट ऐड करके अब यहाँ पर आप CSS का कोड इंटरनल मेथड में कर सकते हैं। इंटरनल मेथड का मतलब ये होता है कि आप CSS का और HTML का कोड दोनों एक ही पेज पे करेंगे। मतलब ये नीचे HTML का पेज कोड है और ऊपर CSS का कोड करेंगे आप। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पे तो लिखे हुए थे, तो यहाँ पे UL को एज अ सिलेक्टर डायरेक्टली डिफाइन कर देंगे और यहाँ पर LI को एज अ सिलेक्टर डायरेक्टली डिफाइन कर देंगे। फिर लिस्ट आइटम के अंदर एंकर है तो उसको लिस्ट आइटम और एंकर को एज अ सिलेक्टर डायरेक्टली ऐसे डिफाइन कर देंगे। ये UL जितने भी पेज के अंदर UL यूज हो रहे होंगे उनको डिनोट करेगा और ये LI जितने भी LI आप पेज के अंदर यूज कर रहे होंगे उनको डिनोट करेगा और ये जो लिस्ट आइटम के अंदर एंकर है जितने भी जगह पे लिस्ट आइटम के अंदर एंकर इस्तेमाल हो रहा होगा उनको डिनोट करेगा। तो यहां पर अब जब ये इनको कर लेगा तो अब आपने क्या करना है, यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आपने इस पर अप्लाई करके देखनी है। जैसे अब यहां पर ये डॉट आ रहे हैं तो डॉट किस पे आ रहे हैं, तो यहां पर हम दिखते हैं लिस्ट डैश स्टाइल प्रॉपर्टी और इसको हम कर देंगे यहाँ से नन। तो जैसे ही हमने इसको नन किया तो ये देखें डॉट इसके खत्म हो गए लिस्ट आइटम के, ठीक है। और फिर हमने क्या किया तो यहाँ पर आप आए लिस्ट आइटम के अंदर एक एंकर है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन की। जैसे ही टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसको हम नन करेंगे नन, तो आप रिफ्रेश करने पे आप देखेंगे कि जितने भी लिंक्स बन रहे थे उनके नीचे जो अंडरलाइन आ रही है वो गायब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें आप डिस्प्ले, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी में आप लिखेंगे इन लाइन और ब्लॉक। तो जैसे आप ये लिखेंगे इन लाइन ब्लॉक तो ये जो आपके प्रॉप अभी वर्टिकली आ रहे हैं तो डिस लाइन इन लाइन कर देते हैं। तो जैसे डिस्प्ले इन लाइन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जैसे हमने डिस्प्ले को इनलाइन किया लिस्ट आइटम में जाके तो आपने यहाँ पे देखा कि वो बिल्कुल जो एक के नीचे एक आ रहे थे वो एक लाइन में आ गए। अब यहाँ पर जो लिस्ट आइटम के अंदर एंकर है इसका कलर हम चेंज करेंगे यहाँ पे फॉन्ट का, तो हम इसका कलर कर देते हैं वाइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंकर्स का कलर जो है वाइट हो जाएगा। और फिर अब हम यहाँ पे इस पे यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है इनलाइन के साथ अगर हम डैश करके ब्लॉक लगाते हैं तो देखें उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, ये भी ठीक है। अब ये इनलाइन भी होगा यानी कि एक के बराबर में एक होगा और इनका अपना जाती ब्लॉक भी बन गया। अब यहाँ पर हम जाके इसके ऊपर जो अगर पैडिंग लगाते हैं, सपोज टू बी पैडिंग यहाँ पर, और पैडिंग लिखते हैं, पैडिंग की प्रॉपर्टी को हम लगाएंगे तो यहाँ पर हम इसकी लेफ्ट राइट की पैडिंग देते हैं 14 pixels और टॉप बॉटम की पैडिंग देते हैं 22 pixels। तो आप देखते हैं इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ये देखें मेन्यूज जो है लेफ्ट राइट से और टॉप बॉटम से इस तरह से अरेंज हो जाएंगे।
तो ये इस तरीके से जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये एक अच्छा सा नेविगेशन बन जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे इस पे आके हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे मार्जिन की, और मार्जिन की प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे यहाँ पे 0 पिक्सल। तो इससे इसके मार्जिन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपने नोट किया था जो ऊपर से स्पेस आ रहा था वो मार्जिन ख़त्म हो गया। ये देखिए मैं इस प्रॉपर्टी को हटाता हूँ तो आप यहाँ पे नोट करेंगे तो ये आपको इस तरह से मार्जिन नज़र आ रहा था कि आप देख रहे हैं ब्लॉक के अंदर। तो जैसे ही मैंने इसको लिखा मार्जिन 0 पिक्सल और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि ये बीच का मार्जिन का ख़त्म हो गया और ये इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये नेविगेशन इसके ऊपर बना लिया और नेविगेशन पे हमारे मेन्यूज बन गए। अब एक चीज़ और करके देख लेते हैं, इसी को लिस्ट आइटम को लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं और ए के साथ कॉर्नर लगा के होवर का फंक्शन भी यूज़ करते हैं। और उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम ये करने वाले हैं कि जैसे ही हम इसका एक बैकग्राउंड कलर भी लिख देते हैं, बैकग्राउंड कलर में हम इसको एक ब्लैक कलर दे देते हैं या डार्क ब्लू कलर दे देते हैं। और रिफ्रेश कर देते हैं तो अब देखिए जब हम इसके ऊपर एरो लेकर आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से जब हमारा एरो आ रहा है तो ये इस तरह से थोड़े कलर अपने चेंज करता जा रहा है। अच्छा दूसरी बात, अगर ये होवर का अगर हटा दें, होवर पे से हटा दें, लिस्ट आइटम पर डायरेक्टली होवर लगाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर देखें ये होवर जो है पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से। ये देखिए देख रहे तो ये इस तरह से फिर आपको शो करेगा। तो इस तरह से देखिए आपके जो मेन्यूज हैं वो थोड़े अलग नजर आएंगे। तो यहां पर हमारा क्योंकि कलर पीछे डार्क है तो यहां पे हम थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। और जब लाइट कलर ले रहे हैं तो फिर इसका होवर का कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं, रिफ्रेश कर दिया तो ये देखिए सही है, क्लियर। तो ये देखिए हमने इस पर अच्छा सा एक बना लिया अपना, क्या कहते हैं, नेविगेशन।